हेलो फ्रेंड्स, लखनवी रसोई में देखिए आज पालक की कढ़ी बनने जा रही है। ये देखिए, ये मैंने कढ़ाई गर्म की, इसमें मैंने तेल डाला है और देखिए मैं इसको, ये मेरा बेसन है, पालक है और प्याज है। ये देखिए थोड़ा बनाना है, एक आदमी के लिए बनती है सब्जी हमारे घर में, दोपहर में खाने में कोई नहीं रहता। देखिए इसके हम ऐसे गोल गोल पकौड़ियाँ टपकाते हैं। ये देखिए, तेल भी मैंने कम ही डाला है। तेल कम है फिर भी हम बना लेंगे ऐसे ही, थोड़ा तेल नुकसान करता है, आप लोग भी तेल कम ही खाएं। देखिए मेरी सब पकौड़ियां बन गई, इतनी पकौड़ी हम लोगों के लिए बहुत है। अलग करते हैं। अब इसी में मट्ठा डालेंगे, मट्ठा डाल के इसकी कढ़ी बनाते हैं। अभी देखिएगा, अभी थोड़ा पक जाए तब पलटते हैं, नहीं तो अलग अलग खराब हो जाएंगी अगर नहीं। ये देखिए तेल कम में बड़ी मेहनत होती है, ये देखिए तेल कम है ना, इसलिए तब तक हम मट्ठा लेके आते हैं तो मेरी पकौड़ियां पक रही हैं धीमे धीमे। ये देखिए पकौड़ियां मेरी उलट पलट के देखिए पक गई है, तेल कम है ना इसलिए तेल जरा कम डालते हैं। ये देखिए फिर भी अच्छी बन गई है, देखिए अच्छी बनी, अच्छी भुनी है, ये कम तेल में है लेकिन अच्छी है। ज्यादा तेल होता तो ये बिल्कुल खरी खरी निकल आती, लेकिन तेल कम है, चलिए कोई बात नहीं, फायदेमंद होता है। अब एक बूंद तेल इसमें मुश्किल से आधा चम्मच हम और डालते हैं। अब ये इस तेल में हम डालेंगे मेथी थोड़ी सी, आपके पास मेथी पत्ती हो तो वो डाल दीजिए। ये देखिए कितना डालेंगे, बस इतना मेथी डालेंगे और इसके बाद डालेंगे प्याज। पहले मेथी डालते हैं, ये देखिए मेथी पड़ गई, अब मेरा प्याज कटने जा रहा है। प्याज पतला पतला सा, मेथी कटने लगी है। अब इसी में थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, हाफ स्पून। अब इसमें डाल दिया प्याज, पक रहा है, पक जाइए। इधर तक तक हम, ये देखिए ये मेरा वही भगोना है। अब इसमें हम डालते हैं छाछ, ये देखिए ये मार्केट की छाछ है, ज्यादा अच्छी नहीं होती है ये देखिए, लेकिन फिर भी अब बनाना तो इसी से है। पैकेट मंगाया था, आधा पैकेट डालेंगे, ऐसे जाड़े में मट्ठा खट्टा नहीं होता है फिलहाल। ये देखिए बस मैंने इतना मट्ठा डाला, देखिए प्याज भी भून रहा मेरा। अब इसमें हम डालेंगे 1 स्पून बेसन, देखिए ये बड़ा स्पून है मेरा, इसलिए मैं इतना बेसन डालूंगी, ज्यादा कड़ी नहीं बनाता, हाफ और कर देते हैं। और इसमें 1/2 स्पून हल्दी, ये देखिए डाल दिया, मसाला मेरा तैयार रखा हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे। अब हम डालते हैं इसमें, ये देखिए मसाला, आधा मसाला डालेंगे, पकौड़ी थोड़ी है, पकौड़ी थोड़ी है इसलिए ज्यादा मसाला नहीं डाला। मसाला पक रहा है तब तक हम देखते हैं टमाटर। अभी देखिए हम आधी गाजर जो है इसको कस रहे हैं, बड़े वाले में, ऐसे लोग खाते नहीं है ना बच्चे, तो किसी न किसी रूप में गाजर जाड़े में जरूर खिलाएंगे। गाजर पड़ जाएगी, गाजर कस लीजिए
इधर रख लेते हैं, इसमें आधा टमाटर काट के डाल देते हैं, मट्ठा डालेंगे आधा टमाटर नहीं डालते। मेरी ग्रेवी तैयार हो जाए थोड़ा सा तेल छोड़ने के लिए, इसी समय मैंने ये देखिए अदरक डाल दिया है कद्दूकस भी। अभी मम्मी नहा रही निकाल कर 5 मिनट ये मसाला मेरा पक गया है। अब हम इसमें ये जो बेसन मैंने घोला है ये इसको डालते हैं। पहले इसको हाथ से, ये आपके पास वो घोटने वाला होता है उससे घोटिए, मैं तो हाथ से ही कर रही हूँ। अब इसको मैंने गैस कर दी धीमी और इसको तुरंत डाल दिया, ये देखिए, और ये तुरंत पानी जो मट्ठा है फाड़ दे और इसको चलाना शुरू कर दो। ये देखिए बस इसको ऐसे बस चलाते रहेंगे, ये देखिए जब तक ये गर्म ना हो जाए इसको चलाते रहेंगे। इसको चलाते रहिए जब तक कि ये चमचा ले लेते हैं, इससे कम बन रहा है। इसको ऐसे 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 पलटते रहिए जब तक आप ये थोड़ा वो खुल ना जाए, मतलब ये फटकने ना लगे, उबलने ना लगे, मतलब बॉयल ना होने लगे, तब तक इसको आप चलाते रहिए, नहीं तो ये मट्ठा है फट जाएगा। ये देखिए, ये देखिए गाढ़ा हो रहा धीरे धीरे, देखिए देखिए फटकना शुरू हो गया है। ये देखिए ये अब नहीं फटेगा, बस फटकने लगे समझ लो फटेगा नहीं। बॉयल हो जाए ये कढ़ जाए, कस के मतलब कढ़ी का मतलब होता है खूब पकड़ा। ये देखिए Thank you.
देखिए मेरी कढ़ी रेडी हो गई है और बंद कर दी, इसको हम करते बंद। और ये देखिए ये मेरी पकौड़ी, और इसे हम इसको सर्व करते हैं। देखिए ये पालक की पकौड़ी कढ़ाई में नहीं डालते, ये देखिए कढ़ी तैयार होगी। अब इसके ऊपर से हम ये देखिए ये गाजर डालते हैं, ये देखो बहुत ही अच्छी लगती गाजर, ये देखने में देखिए ये देखिए कितना टेस्टी डिश है, डेकोरेटेड लग रहा। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा हरी धनिया भी डाल देते हैं, ये देखिए ये देखिए। बताइए आपको कैसी लगी मेरी डिश। थैंक यू। प्लीज देखिए आपको कैसी लगी मेरी डिश, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए ये मेरी पालक की और पकौड़ी, पालक पकौड़ी की कढ़ी बनी हुई है। देखिए सब्सक्राइब मी।